नमस्कार दोस्तों, मार डिजिटल सेवा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ब्रेकिंग न्यूज़, और ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं डीएलएड थर्ड राउंड के अलॉटमेंट लेटर के बारे में। जी हां दोस्तों, थर्ड राउंड अलॉटमेंट लेटर मध्य प्रदेश डीएलएड के जो है आ चुके हैं। आपको किस तरीके से देखना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। और साथ ही कहना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स इसी के माध्यम से मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब कर ही लेंगे आप। आपको ले चलता हूँ गूगल के पास। ये गूगल, गूगल में डाल देना है आपको RSK MP Online, और यहाँ पर सीधा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने का आपके सामने फिर से नया इंटरफेस आ जाएगा और आपको दिख रहा है राज्य शिक्षा केंद्र, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से इस तरीके राज्य शिक्षा केंद्र जो डीएलएड का पोर्टल है वो इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा डीएलएड काउंसलिंग, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस आएगा, वो इस तरीके से रहेगा जो आपको दिख रहा है आवश्यक सूचना, काउंसलिंग गतिविधियां, अन्य जानकारी, समय सारणी, विवरण और संस्थाओं की सूची। तो आपको सीधा देखना है काउंसलिंग गतिविधियों पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये देखेगा आपको प्रिंट थर्ड राउंड अलॉटमेंट लेटर। यहाँ से आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर पाएंगे, और अगर आपका पासवर्ड गुम हो गया, आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो रिकवरी और पासवर्ड पर क्लिक करके रिकवरी और पासवर्ड भी कर पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, क्या जानकारी आपको डालनी रहेगी मैं बता देता हूँ आपको। रिकवरी और पासवर्ड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन आईडी, जो फॉर्म का था वो फॉर्म फिल किया था उसका जो एप्लीकेशन आईडी, वो एप्लीकेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और 10th का रोल नंबर प्लस ट्रांजेक्शन आईडी और कैप्चा कोड को डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो आपका डैशबोर्ड है आपके सामने खुल करके आ जाएगा, आपकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। साइड में आपको देखेगा, इस साइड में चेकबॉक्स का एक बटन रहेगा, वहाँ पर चेकबॉक्स क्लिक कर देना और आपको सामने देखेगा जनरेट पासवर्ड और क्लिक कर देना है, तो आपको पासवर्ड जो आपका दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको सीधा वापस ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ आपको निकालना किस तरीके से है। आपको सीधा वापस आना है, और वापस आने के बाद आपको फिर से काउंसलिंग गतिविधियों पर क्लिक कर देना है और फिर प्रिंट थर्ड राउंड अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से नया इंटरफेस इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको डालना है अपना एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर डालना है डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर डालना है अपना रजिस्टर्ड पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर डाला था वो डालना है, और अपना कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सिंपली लॉगिन टू व्यू अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक कर देना है। अगर आपका अलॉट हुआ है तो आपके सामने आ जाएगा, और नहीं तो आपके सामने और जो है लिख के आएगा दिस राउंड नॉट अलॉटेड एन इंस्टीट्यूट, इस तरीके से लिख करके आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको अलॉट हुआ तो आपके सामने दिख जाएगा आपका अलॉटमेंट लेटर। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर इनवैलिड रिक्वेस्ट दिखाता है तो आप ट्राई टू ट्राई अगेन देखते रहें, क्योंकि ये पोर्टल की प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी ये दिखता भी नहीं है। तो आप घबराएं ना, आप अलॉटमेंट लेटर को ट्राई टू ट्राई अगेन देखते रहें और आपको एक बार दिख जाएगा। अभी थोड़ा सर्वर में दिक्कत आ रही है, इस वजह से मैं आपको लाइव नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से आपको देखना है। और आपका अलॉट अगर हो गया है तो आपके सामने दिख ही जाएगा, अगर नहीं हुआ अलॉट तो आपके सामने नॉट इंस्टीट्यूट अलॉटेड इस तरीके का मैसेज आ जाएगा। अगर इनवैलिड रिक्वेस्ट दिखा रहा है तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप ट्राई टू ट्राई अगेन देखते रहें। इसी के साथ आज के वीडियो को मैं विराम देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के द्वारा मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त होते रहेंगे और आप मेरे वीडियो देख पाएंगे। तो आज के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।